थैंक यू दोस्तों, 100 करोड़ प्लान, ये बुक को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। जिसने नहीं लिया है वो परचेज कर सकता है, अमेजन का लिंक भी दे रखा है। डायरेक्ट आप अगर पे करते हैं तो बहुत जल्दी बुक का पीडीएफ या हार्ड कवर का बुक आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस हफ्ते आप क्या खरीदें, अभी क्या ट्रेड करना चाहिए। हर वीक में या हर मंथ में एक ट्रेड अगर आप ठीक से कर लें तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगी बिल्कुल, और आप जितना प्रॉफिट कमाएंगे उतना पहले कभी आपने नहीं बनाया है। तो मैं आपको ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए हमेशा ही बोलता हूं, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि कैसे ओवर ट्रेडिंग से बचा जाए, क्या करना है। हैंड होल्डिंग के साथ आप वो सारी चीज सीखते चले जाएंगे। मैं पंकज जैन अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस वीक कौन सा एक पोजिशन आप बनाते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा उठा सके। देखिए, जब मैं एफएंडओ की जो सबसे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो पोजीशन देखने जा रहा हूं, मुझे लाइन से वहां पे एक पर्टिकुलर कंपनी की कॉल्स नजर आ रहे हैं। अब आपको गौर करना है दोस्तों, ट्रेंड लाइन में एफएंडओ सेक्शन में आप जाइए और मुझे देख के बताइए लॉन्ग बिल्डअप में आपको कौन सी ऐसी पर्टिकुलर कंपनी या स्टॉक है जिसकी कॉल्स में बहुत सारी एक्टिविटी दिख रही है। बहुत सारे दिखेंगे वहां पे, लेकिन एक नाम है, वो नाम है मारुति। मारुति सुजुकी की बात कर रहा हूं दोस्तों। 8500 के आसपास उसकी अभी एलटीपी चल रही है। अब आप उसको इक्विटी कैश में खरीदें या फिर कॉलपुट में खरीदें या फ्यूचर में खरीदें तो क्या फर्क आता है? तो अगर आप उसको इक्विटी कैश में लेते हैं, सपोज 8500 का यह शेयर 8500 और 100 शेयर खरीदने जाते हैं, पता है वैल्यू कितनी हो जाती है? 8.5 लाख। 8.5 लाख की डिलीवरी उठानी है, पूरा 8.5 लाख रुपए आपको चाहिए तब जाके आप उठा सकते हो 100 शेयर। और अगर ये 100 रुपए ऊपर चला जाता है अगले दिन, मतलब समझो कि 1.25% की गैप अप से खुल जाता है, तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन उसमें ब्रोकरेज और टैक्सेस की कॉस्ट बहुत बड़ी है, और सबसे बड़ी बात है आपका डिलीवरी का टर्नओवर। क्योंकि अगर साल भर में हम 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर बाइंग में और 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर सेलिंग में कर दें, तो 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होने पर आपको ऑडिट भी करवाना पड़ सकता है जब फाइनेंशियल ईयर में अपना आईटीआर फाइल करते हैं। उसके दूसरे प्रोविजंस भी है, वो डिटेल एक अलग बात हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ये डिलीवरी का टर्नओवर कम करें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, आप फ्यूचर खरीद सकते हैं। वैल्यू 100 का लॉट साइज है, 8.5 लाख की वैल्यू है, लेकिन फ्यूचर खरीदने के लिए आपको इतना पैसा देने की जरूरत नहीं है। 20-25% मोटा मोटा बता रहा हूं, हर एक फ्यूचर की क्या मार्जिन होगा वो मार्जिन हर दिन डिक्लेयर होता है। क्योंकि कैसे बनता है फ्यूचर का मार्जिन, एक तो वैल्यू एट रिस्क से, और फिर दूसरा आपका स्पैन मार्जिन कितना, इससे मिला के वीआर मार्जिन और स्पैन मार्जिन मिला के आपका टोटल मार्जिन बनता है। तो आप इसके लिए एनएससी फ्यूचर लॉट साइज एंड मार्जिन लिख के गूगल सर्च कीजिए, आपको शायद ज़ेरोधा का लिंक मिल जाएगा, दूसरे लिंक मिल जाएगा जहां आपको पता लगेगा आज इस फ्यूचर के लिए कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है। आज क्यों बोला? क्योंकि हर दिन ये चेंज हो सकता, मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितना मार्जिन एक फ्यूचर के लिए लिया जा रहा है आज। क्योंकि रिस्क बदलता जाएगा तो मार्जिन भी बदलता जाएगा। तो मोटा मोटा मैं बोल सकता हूं 8.5 लाख रुपए के लिए 1.5 लाख रुपए तक का मार्जिन मैक्सिमम हायर साइड पे आपके लिए इनफ होगा मारुति जैसी कंपनी में। हाँ, कोई मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक होता तो वहां पे हो सकता है आपको 8.5 लाख के लिए 2-2.5 लाख तक भी देना पड़ता, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में वीएआर मार्जिन ज्यादा होगा, इसलिए आपको ज्यादा मार्जिन देना पड़ता है। तो चलो, मैं बात कर रहा था कि अब 2 लाख रुपए मैक्सिमम देके अगर आपको 10,000 रुपए मिलता है तो आपका आरओआई क्या हो गया, 2 लाख रुपए पे गिना जाएगा, इसलिए वो हो जाएगा 5%। लेकिन ध्यान ये भी रखना है, अगर आप इतने बड़े वॉल्यूम को हैंडल नहीं कर सकते तो फिर आपको परेशानी होने वाली है। अगर आप लेके गए किसी फ्यूचर को मारुति जैसे 8500 के बजाय वो गिव डाउन खुल गया 1%, 8400, तो सुबह से 10,000 माइनस दिख रहा है, और आपके इतना रिस्क अपेटाइट ना आपके पास नहीं है, तो 10,000 में आप घबरा गए, पैनिक में आ गए, कोई डिसीजन नहीं ले पाया, वो लुढ़क के सीधा गया और वो कितना माइनस हो गया, 5% माइनस। कोई स्टॉक 5% माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना, तो 50,000 माइनस देखने लगेगा। इसकी तैयारी करना है दोस्तों, कितना मिलेगा ये बाद में पूछो, कितना लग सकता है, रिस्क क्या है, क्योंकि
जिस वक्त ये माइनस का फिगर आपको देखने को मिलेगा उस वक्त आप कैसे बिहेव करेंगे इस पर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग कैसी होगी। क्राइसिस में आप कैसे बिहेव करते हैं वही सबसे बड़ी बात है। तो यहां पे आपको पता लगा कि रिस्क और रिटर्न दोनों ज्यादा है। आप फ्यूचर को हेज करके रख सकते हैं, फ्यूचर खरीदा साथ में आपने पुट भी खरीद लिया, तो वहां पे आपको 10,000 50,000 का जब लॉस हो रहा होगा तो उसका आधा आपको पुट में मिल भी रहा होगा, तो आपके लिए रिस्क लगभग आधा हो गया। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका सिर्फ ऑप्शन खरीदें। आप 8600 का नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल देखने गए, 8500 तो एट द मनी हो गया, 8600 नियरेस्ट आउट ऑफ मनी हो गया, उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम वाई हो रहा है, आपने देखा क्या चल रहा है, 150 की प्रीमियम इंटू 100 का लॉट साइज, मतलब 15,000 रुपीज एंगेज हो रहे हैं। अब ये 15,000 एंगेज करके जब वो 100 रुपए अंडरलाइंग बढ़ गया, मतलब शेयर जब 100 रुपए से बढ़ गया, तो कॉल भी लगभग 50-60 पॉइंट तो बढ़ जाएगा। तो कॉल जब 50 पॉइंट्स बढ़ जाएगा तो 100 इंटू 50 कितना कमाएंगे आप? 5,000 रुपीज। कितने पे? 15,000 एंगेज करने पे, 15,000 पे 5,000, मतलब आरओआई हो गया 30% के आसपास। लेकिन ये रोज रोज नहीं किया जा सकता, रोज रोज आपको करना भी नहीं चाहिए। ध्यान रखें इस बात का कि जब कोई चीज छोटी दिखने लगती है तो हम उसको बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं ना। आप देखिए कि आप स्नैकिंग करते हैं खाने पीने में, पहले तो लोग दिन में 2 बार खाना खाते थे, अब आप ये पैकेट खोलते हर आधे घंटे 1 घंटे में कोई छोटा छोटा पैकेट खाते चले जाते हैं, दिन भर में पता नहीं कितनी कैलोरी कंज्यूम कर लेते होंगे। वही बात यहां पे है कि ऑप्शन को आप छोटा समझ के अगर बार बार ओवर ट्रेडिंग करने लगे तो ऑप्शन आपकी सारी कैपिटल खत्म कर देगा दोस्तों। तो हर बात में ये ख्याल करना बहुत जरूरी है कि आप गलत अगर हुए तो ऑप्शन एक ही दिन में आपको 80% का नुकसान भी दिखा सकता है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे मारुति में 8600 की कॉल के साथ 8200 का पुट, जिसकी प्रीमियम 1/3 के आसपास है, ऐसा कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं। मतलब 150 का लगभग ये कॉल है, 50 का लगभग वो पुट है, टोटल 200 पॉइंट इंटू 100, 20,000 से 25,000 के इन्वेस्टमेंट में ये पोजिशन कहीं बन जाएगी, है ना। क्योंकि कल जब बाजार खुलेगा मंडे के दिन तो क्या प्रीमियम चल रही है ये भी देखना जरूरी होगा ना। और कुछ लोगों के लिए एकदम एक डिप आए और वहां पे उनको देखने लगे कि ये 3-4 हजार माइनस हो गए और उसमें वो घबराने लगे, तो ऐसे में मैं कहूंगा पुट की पोजीशन भी बना के रखें, उसमें भी रिस्क शामिल है दोस्तों। कॉल और पुट का लॉन्ग स्ट्रेंगल आपने बना के रख लिया है, लेकिन अगर रेंज बाउंड रह गया मारुति तो कॉल भी गिरेगा प्रीमियम में और पुट भी बढ़ नहीं पाएगा, तो दोनों की प्रीमियम में आपको लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन मेन फंडा क्या है, थोड़े दिन के लॉस के बाद में फिर अचानक से भागना शुरू करेंगे। और चूंकि मंथ की शुरुआत में हम बात कर रहे हैं, बात कब कर रहे हैं, 3rd-4th अप्रैल को, अभी ये मंथ लास्ट थर्सडे तक एक्सपायरी रहेगी, तो ये किया जा सकता है दोस्तों। हम हर दिन एक कोर्स पे आपको ऑफर देने वाले हैं, तो आज हम स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग की खास स्ट्रेटेजी जो 3000 की होती है वो आप 1500 में ले सकते हैं। नीचे नंबर जो दे रखे हैं 8381021346 7066045880, उस पर आप गूगल पे फोन पे कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, विद इन 1 आवर स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। 1 घंटे की स्ट्रेटेजी आप 4 घंटे में 2 से 3 बार देख लेंगे, उसके बाद साल भर में आप उससे कम से कम 3 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन वो भी बगैर किसी रिस्क के। क्योंकि यहाँ पे कोशिश ज्यादा जरूरी है कि आप कमाएं, ये बात की बात है, पहले अपनी कैपिटल बचा के यहाँ पे जिंदा रहें, क्योंकि अगर आप टिके रहे तो सक्सेसफुल तो आपको होना ही है। और 100 करोड़ प्लान जो बुक है वो सिर्फ कोई एक छोटा मोटा प्लान नहीं, पूरा स्टॉक मार्केट की डिटेल है उसमें। उसमें इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, फंडो, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, क्रूड, एनजी, सबके बारे में डिटेल है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी और 12 बहुत बड़ी स्ट्रेटेजीज जो जिंदगी भर आपको काम करने के लिए पूरा सेफ प्लान देगी, वो 12 स्ट्रेटेजी वो स्टॉक मार्केट से, इक्विटी कैश से रिलेटेड है, निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड है, स्टॉक ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर से रिलेटेड है, गोल्ड क्रूड और सिल्वर से भी रिलेटेड है। तो क्या इंतजार कर रहे हैं, नीचे लिंक दिया है,
सीखना शुरू कीजिए। बहुत छोटा कदम है, पीडीएफ के लिए 149 और हार्ड कॉपी के लिए 299 प्लस पोस्टेज चार्जेस होते हैं। थैंक यू, बाय बाय।